पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं किसी न किसी राशि से संबंध रखते हैं, और मैं आज बात करूं कि 12 राशि मेष आदि से लेकर मीन तक 12 राशि होते हैं, और 12 राशि के जातकों को ये मैं बताना चाहूं कि आप हर व्यक्ति आप जिस राशि से संबंध रखते हो माता को विशेष रूप से कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न्यूनता अधिकता रहती है, आप कहीं परेशान हो रहे हों, कुछ ज़्यादा और विशेष उपलब्धि की आवश्यकता है, तो माता को कैसे प्रसन्न करें ताकि आपका काम और अच्छा हो और आपका आगे का जीवन और सुखमय हो। तो बात करते हैं हम लोग मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को माता को लाल फूल, कुमकुम, रोड़ी, सिंदूर आदि चढ़ाएं, और लाल फूल के साथ लाल वस्त्र भी यदि आप करते हैं तो निश्चित माता आपसे प्रसन्न होंगे, तो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें, आपका जीवन बहुत ही उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती जाएगी। उसी प्रकार से वृष राशि की बात करें तो उन्हें दूध, दही और सफ़ेद फूल, सफ़ेद कमल भी आते हैं वो दे सकते हो। सफ़ेद प्रकार बहुत विभिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं सफ़ेद रंग के, वो भी माता को अर्पित करें, दूध दही के प्रसाद चढ़ाएं और बतासे चढ़ाएं, इस प्रकार से करके आप माता की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी उन्नति निश्चित होगी। इसमें मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि को सबसे पहला मैं बताऊं कि बेल पत्र माता को अर्पित करना उनके लिए बहुत ही शुभ होगा, और उसके साथ साथ हरे रंग का वस्त्र माता को आप अवश्य चढ़ाएं, और हरे रंग का अबीर भी माता को अर्पित करें उनके चरणों में। आप देखेंगे इस नवरात्र में आपके बहुत से रुके हुए कार्य निकल जाएंगे और आपकी उन्नति निश्चित आपकी होगी। बात करता हूँ कर्क राशि की। एक बात कर्क राशि की क्या है कि अभी गोचर में मंगल उच्च के हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है कर्क राशि पर। कर्क राशि पे मंगल की नीच दृष्टि होने के कारण माता को आप मसूर की दाल, गुड़ और लाल पुष्प चढ़ाते हैं तो इसकी जो प्रतिकूलता है उसमें न्यूनता आएगी और आप अच्छे होंगे। लेकिन उस बात को छोड़ दें तो यदि ऐसे भी सामान्य लें, अगर मंगल की नीचता को छोड़ दें तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र चढ़ाना, सफ़ेद फूल चढ़ाना माता को, और दूध वगैरह चढ़ाना माँ को, बहुत ही मासूम से प्रसन्न होंगी। बात करता हूँ सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले के लिए लाल फूल, माता को कुमकुम, लाल कमल और लाल अड़हुल का फूल, ये सब माता को समर्पित करें, और यदि वस्त्र यदि आपने सामर्थ्य है जिस प्रकार की माता को वस्त्र अगर आप भेंट करना चाहते हैं तो लाल वस्त्र दें, माता बहुत प्रसन्न होंगी और आपके देखेंगे सारे काम बनते चलेंगे। कन्या राशि की भी बात करें तो कन्या राशि के जातकों को भी हरे रंग का वस्त्र चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना और गुलाल, हरे रंग का गुलाल उनके चरणों में समर्पित करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं तुला राशि के जातकों को, आपको माता को इत्र अवश्य चढ़ाएं, परफ्यूम इत्र चढ़ाएं, माँ को एकदम आपका पूजन स्थल बिल्कुल एकदम सुगंधित हो जाए। अब मन में भाव रखें कि आपके इत्र देने से माँ बहुत प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है, और आपके जीवन में वैसे सुगंध भर देंगी, और साथ ही साथ बतासे, थोड़ी दही, ये सब माता को अवश्य चढ़ाएं। शक्कर भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपके जो भी ग्रहों में प्रतिकूलता है वो आगे बढ़ेंगी। वृश्चिक राशकों की बताएं तो वृश्चिक राशि के जातकों को लाल फूल, लाल वस्त्र, गुड़ और सिंदूर, इन चीज़ों को माता को समर्पित करना बहुत अच्छा होगा और माँ बहुत प्रसन्न होंगी। आपकी देखेंगे जीवन में जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो शनै शनै समाप्त हो जाएंगी, और विजयदशमी आते आते निश्चित आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा, ऐसी भरी आशा है, आप अवश्य करें। धनु राशि के जातकों की बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको माता को आप जल चढ़ाएं, सादे जल एक सुंदर से एक अच्छे पात्र में आप दें माता को जल, वो जल का भाव होना चाहिए, जल बहुत बड़ी चीज़ है, जल ही जीवन है, और जल में सारे कुछ उसमें गुण समाहित होते हैं, तो जल सुंदर से कलश में माता के सामने आप समक्ष रखें, और उसके साथ साथ हल्दी उनके चरणों में समर्पित करें। आजकल पीला अबीर आता है, पीला अबीर लगा सकते हैं, पीले रंग का कोई फूल और पीला वस्त्र मिलता है वो भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। उसी प्रकार से मकर राशि के जातकों को मैं कहूँ नील कमल, यदि आपको नील कमल मिल जाए, और मिल जाता है थोड़ी प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तो नील कमल माँ को अर्पित करें और नीले रंग का वस्त्र अर्पित करें, माँ बहुत प्रसन्न होंगी आप पर। लेकिन कुंभ राशि को उनसे बस थोड़ी सी बात है, आप भी माता को बैगनी रंग का आप पराजिता माँ को ऐसे भी प्रसन्न है, और आप तो विशेष लकी इसलिए हैं कि माता को अपराजिता ऐसे ही प्रसन्न है, कोई भी व्यक्ति चढ़ा ले, और कुंभ राशि के जातक यदि अपराजिता चढ़ाते हैं तो विशेष उनकी सुकृपा
शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और बैगनी रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करें। और अंत में मीन राशि के जातकों को मैं बताऊं, आपका तो दिन बहुत ही शुभ है, नवरात्र में निश्चित आपको कुछ अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। बस माता के चरणों में हल्दी अर्पित करते रहें, हल्दी का चूर्ण, पीला वस्त्र चढ़ाएं, पीला भोग लगाएं और माता को खिचड़ी भी आप कभी कभी भोग लगा सकते हैं यदि ऐसी इच्छा हो जाए, और पीला कोई भी नैवेद्य पीला वस्त्र करके आप उसे लगाएं, बहुत ही आपको शुभ होगा।